और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कौन सा उम्मीदवार किसके सामने मैदान में उतरा है। लेकिन इस तस्वीर में बागियों के रूप में सियासी दलों के लिए काले धब्बे भी मौजूद हैं। यदि 2 नवंबर तक इन्हें मनाया नहीं गया तो ये बागी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों की सियासत की जो उजली तस्वीर है उसको धुंधला कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और मध्य क्षेत्र में 230 विधानसभा सीटें आती है और इस क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो हर इलाके में बागी ताल ठोक रहे हैं दोनों ही पार्टियों से। मालवा निमाड़ इलाके में कितने बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस के सामने कांटों की बिसात बिछा दी है, देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी और इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। महू में कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार ने दिखाया दम। झाबुआ सीट पर कांग्रेस के जेवियर मेड़ा का जंगी ऐलान। बुरहानपुर में बीजेपी के हर्ष चौहान ने भरी हुंकार। मनावर सीट पर बीजेपी की रंजना बघेल ने ठोंकी ताल। बीजेपी और कांग्रेस के ये वो नेता हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में ताल ठोंक दी। मालवा निमाड़ की 66 में से 15 सीटों पर बगावत की आग लगी हुई। इसमें कांग्रेस की 8 तो बीजेपी की 9 सीटें झुलस रही हैं। सबसे पहले बताते हैं वो कौन सी सीटें हैं जहां बागी नेता कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। शुजालपुर सीट, यहां से कांग्रेस के रामवीर सिंह सिकरवार और बीजेपी के मौजूदा विधायक इंदर सिंह परमार अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशी। दिग्विजय सिंह के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी, इस पर उनके करीबी योगेंद्र सिंह बना ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। सेंधवा सीट, कांग्रेस ने मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत का टिकट काट कर मोन्टू सोलंकी को टिकट दिया। बीजेपी से अंतर सिंह आर्य उम्मीदवार है। नाराज रावत ने कांग्रेस से बागी होकर नामांकन दाखिल कर दिया। पान सिमल सीट, कांग्रेस से चंद्रभागा किराड़े और बीजेपी से श्याम बर्डे को टिकट दिया गया है। यहां कांग्रेस के नेता बागी हो गए। कांग्रेस की सुरतीबाई जाधव और उषा मोरे ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। झाबुआ सीट, इस सीट पर कांग्रेस को बड़ी मुश्किल है। 2018 में विक्रांत भूरिया को हार का मुंह दिखाने वाले जेवियर मेड़ा फिर से मैदान में और कांग्रेस के उम्मीदवार फिर से विक्रांत भूरिया ही हैं। जेवियर मेड़ा ने आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल किया है। कांतिलाल भूरिया भी जेवियर को साधकर ही विधायक बने। यहां पर बीजेपी ने फिलहाल भानु भूरिया को टिकट दिया है। महू सीट, 2008 के चुनाव के बाद से कांग्रेस की ये सीट उससे दूर चली गई। कांग्रेस ने राम किशोर शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी से मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर मैदान में है। यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किल पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने पैदा कर दी। उन्होंने कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। मालवा निमाड़ की 9 सीटों पर बीजेपी नेताओं की बगावत सामने आई है। मनावर सीट पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा फिर से उम्मीदवार हैं तो बीजेपी ने पूर्व मंत्री रंजना बघेल की जगह शिवराम कन्नौज को उम्मीदवार बनाया है और रंजना इससे काफी नाराज हो गई। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा तक दाखिल कर दिया। हालांकि इंदौर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद रंजना बघेल से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की है। बुरहानपुर सीट, इस सीट से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह शेरा तो बीजेपी से अर्चना चिटनिस उम्मीदवार हैं। पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। उनकी नामांकन रैली में जिस तरह की भीड़ थी उसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महेश्वर सीट, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव यहाँ से मौजूदा विधायक हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार भी। बीजेपी के राजकुमार मेव यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहां मेव के टिकट का लगातार विरोध हुआ। बीजेपी के बागी दिनेश कोकड़े ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया है। जोबट सीट, कांग्रेस ने सेना पटेल और बीजेपी से विशाल रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां पर बीजेपी के बागी भी मैदान में है।
पूर्व विधायक माधो सिंह डावर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। देपालपुर सीट, कांग्रेस से मौजूदा विधायक यहां से विशाल पटेल हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक मनोज पटेल को टिकट दिया है और मनोज की मुश्किलें यहां बढ़ गई हैं। यहां से गुर्जर समाज और हिंदू संगठन जबरेश्वर सेना के नेता राजेंद्र चौधरी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर मनोज पटेल की मुसीबत बढ़ा दी है। महितपुर सीट, इस सीट से कांग्रेस ने दिनेश जैन को तो बीजेपी ने बहादुर सिंह चौहान को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी के बागी नेता प्रताप सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया। जावद सीट से कांग्रेस के समंदर पटेल उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा को टिकट दिया है। क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले बीजेपी के पूर्णमल अहीर ने बीजेपी के बागी के रूप में निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। अब तीन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बागियों का सामना करना पड़ रहा है। आलोट सीट, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान है। कांग्रेस ने विधायक मनोज चावला को टिकट दिया है और बीजेपी ने चिंतामणि मालवीय को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू नाराज होकर मैदान में निर्दलीय उतर गए हैं और बीजेपी से बागी होकर रमेश मालवीय ने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। बड़नगर सीट, कांग्रेस ने पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया था, फिर राजेंद्र का टिकट काटकर मौजूदा विधायक मुरली मोरवाल को उम्मीदवार बना दिया। इससे सोलंकी नाराज हो गए और पर्चा भर दिया। बीजेपी से जितेंद्र पंड्या को टिकट मिला है। बीजेपी से बागी होकर यहां के नेता शांतिलाल दबई ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। धार सीट, कांग्रेस से प्रभा गौतम यहां से उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने फिर से नीना वर्मा को टिकट दिया है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भारी मुश्किल है। कांग्रेस से नाराज होकर कुलदीप बुंदेला ने निर्दलीय पर्चा भरा है। वहीं बीजेपी के टिकट से नाराज होकर पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया है। अब बगावत की यह आग केवल मालवा निमाड़ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी लपटें फैली हुई है। बागियों को मनाने के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर आए अमित शाह ने बगावत कर रहे नेताओं से बातचीत की। संगठन के पदाधिकारियों से भी कहा कि जो बागी हो चुके हैं उन्हें मनाया जाए। हालांकि बीजेपी ने बगावत का झंडा थामने के लिए 14 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इसमें से 8 नेता तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बागियों को मनाने के लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मा सौंपा है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सरकार बनने पर नेताओं को संगठन और निगम मंडलों में पद दिए जाएंगे, यानी मनाने की कोशिश हो रही है। 2 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है, अब केवल 2 दिन बचे हैं। ऐसे में कितने बागी मान जाते हैं और कितने मैदान में ही डटे रहते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।